हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास सिक्स आर एस अग्रवाल बुक एक्सरसाइज सिक्स ए का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखें तो इसमें आपके पास स्मॉल ब्रैकेट भी है, मिडिल भी है और बिग भी है। तो सबसे पहला मेरा रूल जो कहता है वो स्मॉल ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्मॉल ब्रैकेट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले अगर ये होल में है इसे हम पहले ब्रेक करते हैं। तो जैसा कि इसे अगर ब्रेक करें तो 6 1 6, 6 में 5 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 11/6, फिर प्लस बिग ब्रैकेट बनाएंगे 3 2 6, 6 और 2 क्या होगा 8 8/3, फिर माइनस मिडिल ब्रैकेट 4 3 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 15/4, फिर ब्रैकेट 5 3 15, 15 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, है ना। 3 5 15 में 4 19/5, डिवाइड 9 2 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19/2। इसको हमने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सभी को ब्रेक कर दिया, जो भी होल में था सभी को हमने क्या किया, ब्रेक किया। अब स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे तो लिखेंगे 11/6 प्लस जैसा है वैसा लिख देंगे 8/3 माइनस मिडिल ब्रैकेट 15/4, और इसके जब हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 19/5 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 2/19 हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अगर आप देखें तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर लिखेंगे 11/6 प्लस 8/3 माइनस 15/4। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के पीछे कुछ साइन नहीं है, पहले क्या होता था प्लस माइनस कुछ हुआ करता था। तो याद रखिएगा, अगर कोई साइन ना हो, कुछ साइन ना हो, ना प्लस का हो ना माइनस का हो ब्रैकेट के पीछे, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। और 2/5 ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो 5 से कट हो जाएगा 5 3 14, और 2 से कट करेंगे 2 2 4, कट कर दिए। तो फिर लिखेंगे 11/6 प्लस बिग ब्रैकेट 8/3 माइनस 3 1 3, मतलब ये 1 है, कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 3 1 3/2। तो आपके पास मिडिल ब्रैकेट का भी वर्क हो गया। अब क्या है, मेरे पास बिग ब्रैकेट बचा हुआ है, तो 11/6 प्लस इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 6 एलसीएम होगा, 3 2 6 होता है तो 8 2 16, माइनस 2 3 6 होता है तो 3 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, है ना। और इसके बाद फिर लिखेंगे 11/6 प्लस 16 में से 9 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 7/6, यही होगा। और इसके बाद फिर जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 1 6, मतलब 11+7, तो ये क्या हो जाएगा 18/6। इसे हम कैंसिल कर देंगे 6 3 18, तो आंसर क्या आ गया 3 आंसर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।